तो कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज एक पुल का सेशन होने वाला है एंड आज पुल के सेशन पे करने वाला है एक सुमो डेडलिफ्ट, उसके साथ फिर एक बैक का एक्सरसाइज होगा। एंड एक और बात आप लोग से शेयर करना था, हम लोग के घर पे जो एक बिन बुलाया गेस्ट आया था वो अनफॉर्चुनेटली अभी घर से चला गया, वो रुका नहीं, एक दो दिन के लिए बस रुका था, अभी वो चला गया। सुबह को जब मैं उठा था ये मेहमान हम लोग के घर पे आया है, इसको देखो किधर, तो वो चला गया एंड मेरा बिल्लिया फिर से मेरा घर पे आ गया। तो गाइस ये रहा इसका बिस्तर, इसके लिए बढ़िया सा बिस्तर भी बना दिया था बट वो चला गया है, तो फिर अभी क्या ही कर सकते, उसका मर्जी है, वो शायद अपने मालिक के पास वापस चला गया है, इसीलिए क्या ही कर सकता है अभी। तो बस वही बोलना था एंड फिलहाल अभी मैं अपना लंच करता हूँ, उसके बाद सीधा आप लोगों से जिम पे जाके मिलता हूँ, ठीक है? तो सी यू गाइस एट द जिम। तो गाइस बस अभी जिम आके पूछा एंड सारे वार्म अप ख़त्म कर लिए, तो अभी फ़िलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते एंड सीधा आप लोगों से दिल्ली पे मिलते हैं। एंड आज के दिल्ली पे मैं एक नया प्लेयर ट्राई करने वाला हूँ 180 kg का, तो लेट्स सी 180 kg पे कितना रैप जाता है सुमो पे। तो ठीक है, तो फिलहाल अभी वार्म अप स्टार्ट करते, उसके बाद सीधा टॉप सेट पे मिलते हैं आप लोगों से। Back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we did it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Things going on. Track of them all, from people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in conventional aro improve korar liga. Soro soro record kortachi pise pise Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain and lust. तो अभी last warm up लेने वाला है 160 kg का एंड आप लोग कमेंट पे बताना कि कितना स्मूथली मैं लास्ट वार्म अप को मतलब लिफ्ट कर पाता हूँ, ठीक है? तो फिलहाल अभी लास्ट वार्म अप करते, उसके बाद मेन सेट पे मिलते हैं आप लोगों से। वाइट हो रहा है ना, फिर से वाइट हो रहा है, क्या वाइट हो रहा है? हाँ बोला, हाँ सही है, काला कर देने से ही बढ़िया है, ब्लैक कलर हो रहा है। तो अभी टॉप सेट करने जा रहे हैं 180 kg का एंड आज के टॉप सेट पे होने वाला है 4 सेट 180 kg का, उस पर 5-5 रेपुटेशन मारना है। अभी तक का मेरा सुमो पे प्यार 180 kg है एंड उसी 180 kg को आज 5 रैप करके मारेंगे 4 सेट के लिए। तो आज के सेशन के लिए मैं रियली बहुत एक्साइटेड हूँ, तो देखते हैं पहला सेट कैसे जाता है, आई होप 5 रैप इजीली चला जाए। तो अभी सीधा 180 kg पे मिलते हैं आप लोगों से। Oh,
तो पहला सेट हो गया, पहला सेट इजी मूव है, बस पहला रैप पे मतलब हम लोग के जिम पे ना पाउडर है ना कुछ है, इसलिए ग्रिप का मतलब थोड़ा इशू हो रहा था, इसलिए पहला रैप अच्छे से नहीं उठा। उसके बाद एक बार ग्रिप मजबूत हो गया, बाकी जितना भी रैप्स था बहुत इजी मूव है। तो फिलहाल सेकंड सेट पे मिलते, एंड मैं शायद सेकंड सेट से वही स्टेप्स यूज़ करूँगा क्योंकि मेरा ग्रिप का बहुत इशू हो रहा है। तो मिलते सेकंड सेट पे, ठीक है, एंड मैं स्टेप्स यूज़ करूँगा सेकंड सेट पे। पाउडर नहीं है यार मेरे पे। तो गाइस अभी थर्ड सेट कंप्लीट हो गया, एंड लाइक अभी पूरा लेग मेरा ख़त्म हो चुके। मैं सुमो कभी पहले किया नहीं, एंड मेरा एडक्टर्स भी बहुत वीक है क्योंकि मैं एडक्टर्स को ट्रेन ही नहीं करता हूँ, एंड अभी सुमो कर रहा हूँ तो फिर एडक्टर्स पे पूरा फील आ रहा है। मेरा एडक्टर्स ऐसा फील हो रहा है कि मतलब जल जा रहा है पूरा, मतलब जल ही गया, मतलब पूरा एडक्टर्स पकड़ लिया, एंड मेरा लेग का फटीक लेवल पूरा पीक पे पहुंच गया। नहीं पता है, देखते फोर्थ सेट आई होप 5 रैप निकल जाए, बस वही होप लेके बैठा हुआ है कि 5 रैप चला जाए। तो मिलते हैं फोर्थ नंबर सेट पे, लेट्स सी कैसा मूव होता है फोर्थ नंबर सेट। आई होप चला जाए यार, आई होप। तो गाइस आज का डेली सेशन इधर ही ख़त्म हो जाता है, एंड ओवरऑल दी सेशन वॉज रियली गुड, अच्छा गया, हर एक सेट बहुत अच्छा गया, बढ़िया गया। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लास्ट सेट भी इतना क्लीन जाएगा, मतलब इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, एंड मेरा एडक्टर्स पूरा छूट गया एडक्टर्स का। तो फिलहाल अभी थोड़ा एसेसरीज वर्कआउट करेंगे, वो कम्प्लीट करते हैं, एंड सीधा उसके बाद एंड पे मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस अभी एसेसरीज वर्कआउट पे मैं कर रहा हूँ सिंगल लेट पुल डाउन, उसका मैं 3 सेट लूँगा। तो ख़त्म करते इसको, एंड उसके बाद सीधा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मिलते हैं। लेट्स गो। I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. But I
giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. तो अभी सिंगल लेट पुल डाउन का तीनों सेट खत्म हो गया एंड अभी मैं करने जा रहा हूँ सीटेड डंबल रो, इंक्लाइन सीटेड डंबल रो जो भी है जिसको मतलब ऐसे करके मारना होता है कुछ, तो उसका भी मैं 3 सेट ले रहा हूँ। तो करते हैं पहला सेट। I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living existing when you can't see your God in flesh? I'm looking for the answers, they say to pray instead. I think I'll find them one day, but with the helping hand. I know that it's not easy, but I believe I will. Yeah, I'll get over all my fears and really conquer everything. I think I'll be alright, cause I'm not giving up. I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give. तो अभी बैक का लास्ट वर्कआउट पे मैं पुलअप्स कर रहा हूँ एंड अगर आप लोग का बैक वीक है एंड आप लोग अपना मसल डेवलप करना चाहता है अपने बैक पे तो पुलअप्स पे मास्टर करो, क्योंकि अगर आपने पुलअप्स पे मास्टर कर लिया तो फिर आपका बैक बहुत अच्छा ग्रो होगा एंड पुलअप्स इज दी मेन की टू ग्रो योर बैक। ठीक है, तो इसका भी 3 सेट लूँगा मैं एंड अंटिल फेलियर तक करूँगा जितना भी रैप जाता है एंड बॉडी अभी पूरा फटी के आई नो ये मेरा इतना ज़्यादा रैप्स नहीं जाएगा, फिर भी मैं ट्राई करूँगा एटलीस्ट 8 to 10 का 8 to 10 रेपुटेशन लाने के लिए। तो करते पुलअप्स, उसके बाद मिलते हैं बाद पे। पूरा बैक डेड है, हो गया आज का बैक का वर्कआउट, अभी थोड़ा बाइसेप करेंगे फिर ख़त्म करते हैं वर्कआउट को। लेट्स गो गाइस। तो मैं बाइसेप कल का लास्ट सेट ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है, तो फिलहाल इसको ख़त्म करते हैं बाइसेप कल को, फिर सीधा आप लोगों से एंड पे मिलता है। लेट्स गो। कामुट दियो ना मेरा स्किनी आर्म्स कितना पंप हुआ है। ठीक है, तो गाइस आज का वर्कआउट इधर ही खत्म हो चुके, तो फिलहाल अभी घर चलते एंड फिर वीडियो को उधर एंड करते। ठीक है, एंड जिम पे नया कलर किया था, ब्लूइश फिर इसको अभी फिर से चेंज कर रहा है क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि ये कलर को छपरी दिख रहा है,
चले तिकोशी तिकोशी ना तो वही जिम पे सब लोग बोल रहा था कि कलर छपरी लग रहा है, इसलिए अभी फिर से आगे जो कलर था ग्रे कलर का वही फिर से कलर फिर से इधर पे पेंट होगा। तो ये देख लो, ये लास्ट टाइम देख लो ब्लू कलर जिम का, ठीक है। तो मिलते हैं सीधा घर पे अभी। तो गाइस अभी घर के पहुंच गए एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडे सेशन। आज का सेशन बहुत ही अच्छा गया, 180 केजी का जितना भी सेट था बहुत बढ़िया गया एंड उसके बाद एसेसरीज वर्कआउट भी बहुत सही गया। जिस तरफ से सुमो का वेट इंक्रीज हो रहा है मेरा एंड आज जैसे कि देखा है आप लोग ने कि 180 केजी कितना क्लीन मूव है, ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 हफ्ते पे मैं शायद सुमो पे 200 केजी पुल कर ही दूंगा। तो बस वही बोलना था एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो फिर आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर 500 सब्सक्राइबर, आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सच सपोर्ट। तो मिलते हैं और एक वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।